की वजह से बहुत से लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान उठाने पड़ रहे हैं। कराची के लोग और आवाम बहुत ज़्यादा परेशान है और हम आपको सिर्फ इतना आगाह करना चाहते हैं कि लोगों की हिफाजत करें। पर हमारे लोग बहुत ज़्यादा ही नाअहल है, यहाँ के लोगों को पता नहीं किस चीज़ की नाअहली का शिकार है। हमें नहीं समझ में आता क्या बात चल रही है क्या नहीं, लेकिन लोग बहुत ज़्यादा। जी सर, सर इंटरव्यू चल रहा है, आप कुछ कहना चाहेंगे? सर मुझे गवारा नहीं, पता कितना लगा हुआ है सर। सर ना सर, अरे सर इधर तो आए, अब आप कैमरे में आ गए। छोड़ो सर, सर पकड़ सर, छोड़ो उसको। जैसे कि हमारी पब्लिक के लिए बहुत ही ज़्यादा बुरे हालात हैं, जो कि कराची के हालात चल रहे हैं बहुत ज़्यादा बुरे। हमारे पास एक सामने से भाई आ रहे हैं, क्यों ना हम उनसे इंटरव्यू लेना चाहेंगे, पूछ लेते हैं भाई से। भाई एक सेकेंड आएँगे यार। अस्सलाम वालेकुम यार, एक हम छोटी सी वीडियो बना रहे हैं कराची के हवाले से, अगर आप कुछ कहना चाहें, मतलब इस टाइम पे कराची के जो हालात हैं उसका जिम्मेदार कौन है? जी वो तो हमारे लिए, हम लोग इतना नहीं जानते। प्रैंक हो गया आपके साथ। हाँ तो सर, हम आपसे ये सवाल कर रहे थे। अबे यार क्या बात, कौन है भाई समझाओ। अबे सर हमें नहीं पता, वो हमारे साथ नहीं है, हमारा सिर्फ ये कैमरा मैन है और कोई भी नहीं है। कौन हुआ ये बताओ इसको। एक और बंदा सामने बैठा हुआ दिख रहा है, दिखाएंगे कैमरामैन प्लीज इसको जल्दी से दिखा दें। ये बंदा हमारे पास है, हम सोच रहे हैं क्यों ना इनसे जाके पता करें कि क्या हाल वाले हैं, कराची के हाल के लिए किसको जिम्मेदार ठहराना चाहेंगे। आ जाए जरा इनसे पता, आ जाए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है सर? हम एक छोटा सा इंटरव्यू कर रहे हैं, हम आपसे एक सवाल है आपसे, आज के जो कराची के हालात हैं आप उसके लिए किसको ज़िम्मेदार ठहराना चाहेंगे? भाई हम किसी को ज़िम्मेदार नहीं ठहराना चाहेंगे, हम खुद ही सही हैं, बस बंदा खुद सही रहे और बाकियों को छोड़ो। अच्छा तो मतलब आप किसी को ज़िम्मेदार नहीं ठहराना? नहीं नहीं, हम किसी को ज़िम्मेदार नहीं ठहराना, हम खुद ही सही हैं भाई। अच्छा आप सही हैं, तो कराची के जो आज हालात हैं उसका ज़िम्मेदार कौन है? उसका ज़िम्मेदार हम खुद हैं, हम खुद हैं जिम्मेदार, हम लोग ही, हम लोग सही हो जाए कराची सही हो जाए। ये बात तो आपकी बहुत अच्छी है, आप हुक्मरानों में किसको क्या वो कहना चाहते हैं? किसी को नहीं, हम किसी को सपोर्ट ही नहीं करते, हम खुद सही हो जाए। क्या चल रहा है यार, क्या जाहिल लोग हैं यार, देख लिया आपने? सर क्या बगैती है यार ये यहाँ पे। सर पकड़ सर, छोड़ें उसको छोड़ें सर। क्या छोड़ भाई, ये देख सर। कोई बात नहीं सर, इसके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? सर आप नाअहल लोग हैं, भगारत लोग हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? बढ़ गए नाअहल लोग, पता है ना। अभी हम लोग क्या बोलते हैं, एक शूट कर रहे हैं जो कि कराची के आवाम के हवाले से है। जैसे कि आपको पता है कराची के हालात बहुत ज़्यादा बुरे हैं, तो आप इसके हवाले से क्या कहना चाहेंगे? मैं सिर्फ एक बात कहूँगा जी जी, कि जो चीज़ हो रही है ना जी, नाइलों की वजह से हो रही है, वो देखें अभी क्या है, बगैरत आता हो मेरे को। सर वो तो बगैरत लोग हैं, मैं हुक्मरानों के हवाले से पूछ रहा हूँ। वो कौन सा शरीफ है? इमोशनल डैमेज। तो सर आप जो कराची के हालात हैं उस पर क्या कहना चाहेंगे, उसमें किसकी गलती है? देख क्या कराची के बारे में मैं कहना चाहूँगा, जहाँ पार्शली गवर्नमेंट गलत है ना, वहाँ पे पार्शली हमारी आवाम भी गलत है। वो मैं एक मेरे बाबा मिसाल देते हैं कि पेंसिल के पीछे यार ये भी ज़्यादा हो रहा है, ठीक है ना। ये कौन है यार, इसको पकड़ो यार, क्या बगैरती है यार, ये क्या चल रहा है? अबे सर हमारा कोई वो नहीं है इसमें, हम नहीं जानते इसको। आप बोलो, मैं आपकी चार चार शादियां कराऊंगा, आप टेंशन नहीं लो, आपकी बहुत शादी तो करवा दो ना, ये दुख का खत्म नहीं होता बे। चलो चार भी हो जाएंगे, तुम दस शादी नहीं हुई? नहीं हुई, सिंगल हो? सिंगल हो। क्यों, कोई मिलेगी तो एक साथ। अच्छा ये भी ठीक है, कोई मिलती नहीं है? अरे अरे सर क्या हो गया सर। अच्छा सर लगी तो नहीं सर आपको? अरे सर थोड़ा सा आपसे सर से दो सवाल। अच्छा, तो आप किसी को सपोर्ट नहीं करते? नहीं। क्यों सर? हम खुद ही सही हैं,
आप खुद सही हैं जी सर, आप तो नाराज़ हो गए, तो आप देख सकते हैं ना हम यहाँ इंटरव्यू ले रहे हैं लोगों की हालत। सर ये तो हमारे हमारी जाहिल आवाम है ना, जाहिल आवाम है तो जाहिल आवाम में तो हम क्या, आप रिकॉर्ड ले रहे हो तो ऐसे करेंगे, लोगों को इतनी अकल नहीं है क्या? सर अब इसमें हमारा तो कोई हाथ मिला हाथ नहीं था। सर अब आप हमारी आवाम के लिए कोई आखिरी अल्फाज जो आप कहना चाहेंगे? यार ये क्या बगैरती चल रही है यार, ये कौन लोग है यार? सर ये क्या क्या कर रहे हो यार, ये क्या बगड़ती है? हम इंटरव्यू कर रहे हैं, क्या चाह रहे हो यार? गर्मी के मौसम में यार, क्या क्या गर्मी का मौसम है, क्या बगड़ती है, क्या चल रहा है ये? अच्छा 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 अच्छा, बस 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 यार, दादा नहीं, दादा नहीं, प्रैंक कर रहे हैं आपके साथ, गुस्सा नहीं हो, रिलैक्स। सर प्रैंक गुरु ऐसे होती है? सर ये एक छोटा सा प्रैंक था आपके साथ, बहुत बहुत माजरा सर, आप तो गुस्सा हो गए, रिलैक्स हो जाए सर थोड़ा सा। सर आपके साथ एक छोटा सा मजाक किया, आप बोल रहे हो? नहीं मैं कुछ ही बोलना चाहता हूँ सर, बहुत बहुत माजरा सर, आप तो गुस्सा कर गए यार, ऐसा होता है, सॉरी बोले यार, नाराज ही हो गए आप। चलो सर कोई दो लाइन है हमारे चैनल के, बस यार ऐसे नहीं करो यार, गर्मी है आप सब देख सकते हो, लोगों का मीटर शॉर्ट होता है कोई, आप तो इसलिए तो हम ठंडा कर रहे हैं ना सर सब, हाँ ना पानी पे के ठंडा, आप देखो पानी जैसी ठंडी होती है, आपका दिमाग गर्म करने का ठंडा कर देते हैं यहाँ पे, कोई बात नहीं, आप बस दो लाइनें इतनी बोल दें कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर। यार वैसे प्रैंक तो मुझे ही बहुत पसंद आया है, तो इनको बहुत सारा प्यार बरसाएं, सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बहुत मेहरबानी सर, और सॉरी सर, जज़ाकअल्लाह बहुत।